कन्याशाला प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी की शिकायत को जांच दल ने सही पाया है। नायब तहसीलदार द्वारा एसडीएम को सौंपे गए जांच प्रतिवेदन में इस बात की पुष्टि हुई है। मामले में अब एसडीएम नेहा भारती समूह संचालक को नोटिस देकर जवाब तलब करेगी। नायब तहसीलदार रमेश पांडे इस मामले के जांच अधिकारी थे। उन्होंने दो दिनों तक स्कूल पहुंचकर शिक्षकों व विद्यार्थियों के बयान दर्ज करने के साथ ही भोजन की गुणवत्ता को भी परखा था। इस दौरान जांच दल ने यह पाया था कि भोजन की गुणवत्ता में गड़बड़ी है। इस दौरान जांच दल ने यह भी पाया कि जिस रोटी का वजन 50 ग्राम होना चाहिए, लेकिन जो रोटी मौके पर मिली थी उसका वजन 36 ग्राम ही था। दो दिनों तक लगातार जाने के बाद सारी खामियों को पकड़ा और सिलसिलेवार अपनी जांच प्रतिवेदन शुक्रवार को एसडीएम नेहा भारती को सौंपी। इसके बाद एसडीएम भारती ने नागदा टाइम्स को बताया कि इस मामले में कुमकुम तुलसी समूह को नोटिस देकर जवाब तलब किया जाएगा। साथ ही भारती ने यह भी साफ कर दिया कि यदि इसके बावजूद भी खाने की गुणवत्ता नहीं सुधरी तो समूह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शासकीय प्राथमिक विद्यालय कन्याशाला चौराहे पे शिकायत प्राप्त हुई थी मध्याह्न भोजन को लेकर। उस संदर्भ में मैंने अपने राजस्व टीम को नायब तहसीलदार आर एफ पटवारी को वहाँ भेजा था। उन्होंने वहाँ जाकर स्थल निरीक्षण करके खाने का सत्यापन किया, खाना चक्कर भी देखा। उसके बाद उनकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें थोड़ा सा कुछ इशू मेरे सामने आया है, इसीलिए अब उसमें प्रतिवेदन के आधार पर मैं आगामी कार्रवाई करूँगी। उसके बाद अगर उसमें सुधार नहीं होता है खाने की क्वालिटी में तो फिर उसके बाद जो भी समूह विरुद्ध कार्रवाई करनी होगी। मैम, उसमें जांच में रोटी का वजन भी कुछ कम पाया गया था मैम, तो उसमें अब क्या अपन जो समूह संचालक है उससे पार्टी बनेंगे? समूह संचालक को ही हम एक कारण बताओ सूचना पत्र जारी करेंगे, फिर वो अपने जवाब में जो देंगे उसके आधार पर फिर आगामी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।